प्रदेश के उन्नाव जिले में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य के अवैध हॉस्पिटल पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है, जहां पर सपा नेता ने तालाब की सरकारी जमीन पर 2 मंजिला नर्सिंग होम बना रखा था। उन्नाव डीएम के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद एसडीएम व सीओ ने मौके पर पहुंचकर 2 मंजिला नर्सिंग होम पर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद जिला प्रशासन की कार्रवाई व बुलडोजर की चोट से सपा जिला उपाध्यक्ष टूटकर बीजेपी के कुनबे में शामिल होने की राह पर निकल चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि डॉक्टर शकील, जो कल तक समाजवादी रंग में रंगे थे, वे कार्रवाई के बाद भगवामय होने में कोई गुरेज ना करने का दावा करते दिख रहे हैं। दरअसल उन्नाव जिले में बीते 9 मई को असोहा थाना क्षेत्र के कालूखेड़ा कस्बे में सपा जिला उपाध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर शकील द्वारा तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए 2 मंजिला नर्सिंग होम पर जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा था। वही कार्रवाई के चौथे दिन आज 13 मई को सपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शकील ने पूर्वा कार्यालय में प्रेसवार्ता कर सपा जिला उपाध्यक्ष पद व पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि सपा नेता के द्वारा तालाब की भूमि पर कब्जा कर नर्सिंग होम बनाए जाने की शिकायत पर डीएम उन्नाव रविंद्र कुमार ने जांच कराई। इस दौरान विभाग की टीम ने डीएम को भेजी गई रिपोर्ट्स में नर्सिंग होम भवन को अवैध बताया, जिसके बाद डीएम कार्यालय से अवैध निर्माण होने की नोटिस जारी कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार को एसडीएम पूर्वा राजेंद्र पाठक और सीओ पंकज सिंह बुलडोजर को लेकर सपा नेता के नर्सिंग होम पर पहुंच गए, जिसके बाद बुलडोजर ने अपने पंजे की वार से सपा नेता के अवैध कब्जे को कुछ ही देर में मलबे में तब्दील कर दिया। हालांकि इस कार्रवाई को देखने के लिए भारी भीड़ जमा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल।